को जिताना है, करहान कमतिया बनाना है। भगवान को प्यारे हो जाते। अरे भाई जिंदगी में रहे ना रहे, इस अच्छा है कि मर जाए सारा। हमको भाई ये बात पंडित जी के पास क्यों जा रहे हैं? काहे के लिए बोले नहीं, तुमको शादी के लिए बुला रहे हैं। भाई हम मेरा भी ब्याह नहीं हो रहा, हमको भी ले चलो ना। ए, लड़की एगो है, शादी हम दोनों का कैसे होगा? अरे भाई पंडित जी के पास चलिए ना, कुछ ना कुछ तो उपाय लगाइए देंगे। कैसे उपाय लगा देंगे भाई? भाई आप लेकर तो चलिए। इतना दिन से ब्याह नहीं हो रहा था, जब भी अगुआ आता था कहता था कि हमारे गांव में शौचालय नहीं, हमारे गांव में अच्छा सड़क नहीं, नहीं हमारे गांव में नाली नहीं, नहीं। इस कारण अगुआ नहीं आता था। एक वो मुश्किल से आया है, तुम इसमें अरंगा मत डालो, हटो सामने। भाई 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 रुको रुको, आपका भी हो जाएगा मेरा भी हो जाएगा। अरे कैसे हो जाएगा यार? अरे पंडित जी के पास चलिए ना, सब उपाय है उनके पास। ये सही बोल रहे हैं। हां सब उपाय निकाल। बैठो बैठो जल्दी बैठो। पंडित जी बताइए ना बिया कब होई 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 होई। अरे शादी हम लोग का नहीं हो रहा है, थोड़ा देखिए कुछ उपाय। अरे महाराज आपकी तो पंचायत में तो पूरा एकदम समस्या ही समस्या है। आपको कैसे पता महाराज? अरे महाराज खत्मे बा हो का कोई उपाय? उपाय कुछ बताइए, उपाय बताइए, उपाय बताइए। अरे ये क्या की पूछा महाराज? हम हाँ पहले पंडित जी ब्याह करे के बा। हाँ तो ब्याह करे के बा तो ये क्या की पूछ? पंडित जी बताए जल्दी कोई उपाय बताए। देखो सबसे पहला बात का तनी लोग पैसा लेवता रहा वोट देवता रहा। ए यही लिया अच्छा प्रत्याशी नहीं के चुना तो कैसे हो क्षेत्र के विकास कैसे हो और शादी हो? पंडित जी यही लिया होगा, यही वोट बेचा होगा। आपका शादी काहे ना हो रहा है जी? गाँव में विकास नहीं है, सड़क नहीं है और की शौचालय भी नहीं है। पत्नी आएगी तो कहाँ जाएगी खुले में? इतना सारा हाँ
लेकिन हमारे साथ एगो बड़का समस्या हो गया। इंदिरा आवास के नाम पे मुखिया जी बोले कि हमारा घर पास हो गया है, 6 महीना हो गया इंतजार करते करते, अभी तक ना पैसा आया ना घर में हाथ लगा। एगो अगुआ आया भी था, वो भी घर नहीं बनते देख करके वापस चला गया। अच्छा पंडित जी छोड़िए, समस्या है समस्या आप तो जान ही रहे हैं, लेकिन इसका हल तो निकाल लिया भाई, शादी का निकलेगा, निकलेगा हल। क्या 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 क्या, धैर्य रखो, हल निकलेगा। कब 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 निकलेगा? आगामी 20 तारीख को है। 20 तारीख को क्या है? पंचायती स्तर पर जो चुनाव होने वाला है, होने वाला है ना, होने वाला होने वाला है, उसमें भावी प्रत्याशी भगेश्वर भैया जी चुनाव चीज ढोलक छाप। हाँ हाँ हाँ, ढोलक छाप है, ढोलक छाप है, क्या करना होगा? क्या दो पे है? रुकिए, गांव में देखे थे ढोलक छाप था। हाँ हाँ, भागेश्वर भैया ये बहुत ईमानदार आदमी है। ईमानदार है मतलब शिक्षित है, कर्मठ, सुशील, मतलब अब सबसे अच्छी बात पता है, उनके बेटे जो है, बेटे उनके सुपुत्र, बड़े सुपुत्र, वो तो पुरनका मुखिया का चिट्ठा खोल के रख दिए, सब कुछ कहे हैं कि कागजे पर भेल है, नाला कागज पर जो होता है ना, खम्भा पर लाइट जलता है, स्ट्रीट लाइट, ओहो कागजे पर, नाली कागजे पर। बच्चा शादी होगा, उन लोग का जल्दी शादी होगा, जल्द शादी होने वाला है। हाँ। इसमें हम कुंडली में देख रहे हैं, देख रहे हैं, लोग का भाग्य जल्दी चमकने वाला है, कि भागेश्वर भैया जीतने वाले। हाँ। पंचायत का भी भाग चमकने वाला है। सही बात, पंडित जी धन्यवाद, पंडित जी रुकिए रुकिए, पंडित जी रखिए, पंडित जी चलो चलो गाँव में। सुना सुना, पहले ये चुनाव जो आगामी 20 तारीख के बाद जाए के बाद बूथ पे ढोलक पर बटन दबावे के बाद एकदम ढोलक पर बटन दबा। लेकिन ढोलक पर तो बटन दबे, लेकिन करम संख्या भी बता दीजिए। ए महाराज, करम संख्या नहीं के पता? ना पता बा, कौन पर बा पता ही पर, पंडित जी लेट मत करी, सापे 200 अथिए बारा जा, दू पर दू पर दू पर दू का दू दू नीचे। यहाँ पहाड़ा पढ़े के लिए बोली है महाराज, हम बोला था दू पर, क्रम संख्या दू पर। अच्छा, क्रम संख्या दू पर समझेली है? बोला ढोलक छाप। कौन सा ढोलक? हर शुभ मुहूर्त पर घर में बजावल जाला। बटन दबावे के पंडित जी, हम लोग समझ गए, अब हम लोग पूरा गाँव को समझाएंगे ताकि गाँव स्वच्छ साफ सुंदर बने, जितना लोग का ब्याह रुकल बा सब के हो जाए। अरे मिट्टी 20 तारीख के बाद।